नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और अपनी गाड़ी से जुड़ा डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब आप घर बैठे बैठे ही लर्निंग लाइसेंस और RC समेत परिवहन विभाग की कई सेवाएं पा सकते हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के ने इसके लिए नया सिस्टम बना दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इसकी लॉन्चिंग भी करेंगे। और इस सिस्टम के तहत बता दें, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्किल टेस्ट और वाहन मेंटेनेंस फिटनेस से जुड़ी सेवाओं के अलावा बाकी सभी सेवाओं को भी बता दें कैशलेस सिस्टम के दायरे में लाने की शुरुआत की गई है। और मौजूदा सिस्टम के मुताबिक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को RTO दफ्तर आना अब अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अब ऑनलाइन ही लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक टेस्ट दे सकते हैं। तो बता दें, अब घर बैठे आप DL पा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वाहन आपके पास है, गाड़ी आपके पास है, तो अब आप घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं, RC पा सकते हैं। परिवहन विभाग ने ये नया सिस्टम बनाया है जिसकी लॉन्चिंग आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। बाराबंकी में बीते दिनों हुए बीजेपी बूथ अध्यक्ष के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीजेपी बूथ अध्यक्ष को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदारों और पड़ोसी ने मिलकर मार दिया था। इस हत्याकांड को प्रॉपर्टी के लालच में अंजाम दिया गया था। वहीं बाराबंकी पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही इस वारदात का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये पूरी वारदात बता दें सुबेहा थाना क्षेत्र की थी, जब घर पर अकेले रह रहे बीजेपी बूथ अध्यक्ष हरिहर सिंह नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। वहीं बता दें मकान के पीछे शव पड़ा होने पर ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी थी। वहीं बीजेपी बूथ अध्यक्ष रहे मृतक के कोई भी संतान नहीं थी और 2 महीने पहले ही पत्नी का निधन होने पर एकदम वो अकेले रह गए थे। वहीं पुलिस के खुलासे के मुताबिक प्रॉपर्टी के लालच में हरिहर सिंह के रिश्तेदारों और पड़ोस के कुछ लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। साथ ही हत्याकांड का खुलासा करते हुए बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद ने बताया कि रत्नेश सिंह नाम के शख्स ने थाने में तहरीर दी थी कि उनके जीजा हरिहर सिंह की हत्या कर दी गई है और उनका शव घर के पीछे पड़ा हुआ मिला था। इस सूचना के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। इसके अलावा बता दें सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करते हुए वारदात से जुड़े सभी तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया गया था। वहीं पुलिस जांच में जो तथ्य निकल कर सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। दरअसल तथ्यों के मुताबिक केवल प्रॉपर्टी के लिए आपसी परिवार के लोगों ने ही हरिहर सिंह की हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड में मृतक का भैनोई और पड़ोसी शामिल था। इन सभी ने मिलकर हरिहर सिंह की हत्या की और शव को घर के पीछे फेंक दिया था। 9 तारीख को एक वादी रत्नेश सिंह थाने पर आए, उन्होंने तहरीर दिया कि उनके जीजा हरिहर सिंह की हत्या कर दी गई है और उनकी बॉडी जो है घर के पीछे पड़ी हुई है। इस सूचना के आधार पे हमारे CO और एडिशनल SP दोनों मौके पर पहुंचे और उनके साथ पूरी टीम वहां पे पहुंची। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और इसमें सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस का पूरा प्रयोग किया गया। सभी तथ्यों को गहनता से एनालाइज किया गया तो ये पूरा प्रकरण निकल के आया कि केवल प्रॉपर्टी के लिए इनके आपसी परिवार के लोग, जिसमें इनके बहनोई शामिल थे और इनका पड़ोसी वो शामिल था, और सबने मिल करके इनकी हत्या कर दी और हत्या करके इनकी लाश को घर के पीछे ही फेंक दिया। इसमें पूरा प्रकरण जो निकला तो ये समझ में आया कि जो हरिहर सिंह थे इनके कोई संतान नहीं थी और उसके बाद इनकी जो पत्नी थी 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद इनकी 3 बहनें थीं जिसको ये पसंद नहीं करते थे और अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं देना चाहते थे। 2018 में कुटुंब रजिस्टर में अपने साले का नाम रत्नेश सिंह का इन्होंने एंट्री करा दिया और वहीं से विवाद प्रारंभ हो गया। इनके परिवार वाले जो बहन के तीनों परिवार थे वो बार बार इनको समझाते रहे कि प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए, इसी आधार पर ये उनसे हटते रहे। अब इनके एक बहनोई शिव कुमार और उनके भांजे निर्मल सिंह उर्फ बबलू और हरविंदर सिंह उर्फ डब्लू सिंह, ये और इनका पड़ोसी जो रामकरण सिंह है जो मुर्गी फार्म चलाता है, इन लोगों ने मिल करके पूरे खड़यंत्र के तहत ये तय किया
कि जो हरिहर सिंह का पोल्ट्री फार्म और मकान और 3 लाख रुपए वो रामकरण सिंह को दे दिया जाएगा। रामकरण सिंह ने ये बात अपने लड़कों से बताई और ये अपने दो और रिश्तेदारों को शामिल करके इन लोगों ने यह तय किया कि हम लोग अब इसको रास्ते से हटा देंगे। शाम के समय इनका नौकर खाना लाने गया था, उसी समय जो रामकरण है इनके लड़के मिल करके उसका गला दबा दिए और गला दबाने के बाद इंश्योर करने के लिए गले पर चाकू से भी वार किया। वार करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको घर के पीछे फेंक दिया और फिर ये लोग गायब हो गए। पूरा जो इनका परिवार है 9 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं जो पूरे षड्यंत्र में शामिल रहे हैं। इसमें जो निर्मल सिंह उर्फ बबलू है वो मृतक का भांजा है, हरविंदर सिंह उर्फ डब्लू सिंह ये भी मृतक का भांजा है, शिव कुमार सिंह मृतक के बहनोई हैं, रामकरण सिंह मृतक का पड़ोसी है, अमित सिंह रामकरण का रिश्तेदार, अजय सिंह रामकरण का रिश्तेदार है, आलोक सिंह, अंकित सिंह और अतुल सिंह ये रामकरण के पुत्र हैं। ये सभी ने मिल करके इस हत्या को अंजाम दिया था प्रॉपर्टी के लालच में। अब ये पकड़े गए हैं, इनको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के सिविल लाइन क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंडावर रोड से के जंगलों की घेराबंदी करने पहुंचे। डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह एसपी सिटी और पुलिस टीम ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इस दौरान बता दें मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को जहां गोली लगी है तो वहीं इस घटना में पुलिस का एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया है। वहीं पुलिस ने दोनों घायल बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि मुठूट फाइनेंस कंपनी में एक बदमाश की तरफ से तमंचे की नोक पर लूट की योजना बनाई गई थी, लेकिन फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और सुरक्षा की तरफ से बदमाश को पकड़ने के दौरान बदमाश तमंचा लहराते हुए घटनास्थल से फरार हो गया था। वहीं इस घटना में बदमाशों की तरफ से चलाई गई गोली की दहशत से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पटियाला के शातिर बदमाश रंजीत फौजी बिट्टू और अमजद को मुजफ्फरनगर का रहने वाला है इन दोनों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने पूछताछ में पता चला है कि रंजीत फौजी एनएसजी का बर्खास्त कमांडर सिपाही है और ये पटियाला का रहने वाला है। सही एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने इस घटना को लेकर बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ बदमाशों की तरफ से शहर में लूट की योजना बनाई जा रही है और इस योजना को देखते हुए पुलिस ने एसओजी टीम और थाना कोतवाली शहर पुलिस की मदद से 19 जुलाई को फाइनेंस कंपनी में लूट करने वाले दो बदमाशों को 300 ग्राम सोने और 2 अवैध तमंचे सहित 1 बाइक के साथ गोलीबारी में गिरफ्तार किया है। देखिए आज हमारी पुलिस सुबह से ही चेकिंग पे थी और हम लोग लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर ये खबर थी कि दो बदमाश मोटरसाइकिल से आएंगे और कोई वारदात को अंजाम देंगे। इस सूचना पर चेकिंग चल रही थी। मंडावर चौराहे से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग वापस लौटे तो पुलिस टीम हमारी जो स्वाट टीम थी कोतवाली पुलिस की टीम थी इनका पीछा की। जहां घटना स्थल है यहां देख रहे हैं आके इन्होंने पुलिस पार्टी की फायर किया जान से मारने की नियत से। हमारे एक सिपाही कांस्टेबल बादल ढाका को गोली भी लगी और ये दो जो अभियुक्त थे दोनों को मुठभेड़ के दौरान घायल हुए, इनके गोली लगी है। उपचार के लिए इनको तत्काल अस्पताल भेजा गया। प्रारंभिक पूछताछ जो हुई उस पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनमें से एक का नाम रंजीत उर्फ बिट्टू है जो कि फौजी लिखता है रंजीत फौजी, यह बर्खास्त तो सुधा एनएसजी का कमांडो है, पटियाला का रहने वाला है। दूसरा अमजद है हरसौली गांव का, थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर निवासी है। इन दोनों के ऊपर इनाम घोषित है चुरू राजस्थान से। अभी जून माह में इन दोनों ने मिल के और इनके साथी और भी हैं इन लोगों ने मणिपुरम गोल्ड से सोना चुराया है। अभी आप देख रहे हैं लगभग 300 ग्राम सोने के जेवर हैं जो बरामद हुए हैं। इसको कनेक्ट किया जाएगा कि कहां से इन लोगों ने लूट की। वहीं फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 100 करोड़ रुपए का गबन करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी राज्य भंडारण में नौकरी के नाम पर फर्जी शासन आदेश तैयार कर लोगों को ठगा करता था। वहीं आरोपी लखनऊ कानपुर सीतापुर सहित कई अन्य जिलों के लोगों को ठग चुका है। साथ ही पुलिस ने इस 25,000 के नामी शातिर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में एयर गन से गोली मारकर बच्चे को घायल कर देने के मामले में 10 वर्षीय बालक को परिजनों ने नामजद किया है। पीड़ित का पिता कई दिनों से एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटक रहा था। वहीं एसपी के निर्देश पर आखिरकार कोतवाली पुलिस से कानूनी लिखा पढ़ी भी कर ली। अभय द्विवेदी ने दर्ज रिपोर्ट में लिखाया है कि 21 जुलाई की शाम 5 बजे उनका 12 साल का बेटा देव विनायक छत पर खेल रहा था, तभी बच्चों के आपसी कहासुनी में पड़ोसी सुमित पांडे के बेटे ने एयर गन से उसके बेटे को जान से मार डालने की नीयत से फायर कर दिया। देव विनायक सर में गोली लगने से वो घायल हो गया और 11 दिनों तक वो लखनऊ में ही भर्ती रहा। सर की सर्जरी कराने के बावजूद अभी तक सिर से गोली का कुछ हिस्सा नहीं निकाला जा सका है और इस वजह से विनायक के शरीर का बाया भाग जो है वो निष्क्रिय हो गया है। उसका दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है और इस मामले की तहरीर बीते दिनों कोतवाली में दी गई थी, लेकिन सुनवाई न होने पर पीड़ित ने अब एसपी अजय कुमार को घटनाक्रम से अवगत कराया है, जिसके बाद से एसपी के कड़े रुख के बाद कोतवाली पुलिस ने कानूनी लिखा पढ़ी कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं कोतवाली जगदीश यादव का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई का प्रकरण है, इसमें एक विषय आया था जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके बेटे को जो नाबालिग है एक दूसरे नाबालिग लड़के ने लंबी एयर गन से फायर कर दिया, जिसके कारण से उनके सिर में गंभीर चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट इंजरी हुई और काफ़ी दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत नाजुक बनी थी, हालांकि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, उसमें विवेचना की जा रही है। फिलहाल जो 338 आईपीसी और 279 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट्स देखे जाएंगे और जो फायर के समय जो परिस्थितियां थीं वो परिस्थितियां देख करके जो धारा में तरमीमी होगी उसके अनुसार उसको तरमीम भी किया जाएगा। फिलहाल ऑन रिकॉर्ड लेके मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के देवराहट थाना क्षेत्र में मूर्तियां खुल रहे मंदिर के पुजारी यमुना की बाढ़ में डूब गए, जिसके बाद जैसे ही ग्रामीणों को इसकी खबर मिली तो वो तुरंत यमुना में पुजारी की तलाश करने लगे। 6 घंटों के बाद भी पुजारी का पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद मूसा नगर क्षेत्र के गोताखोरों को बुलाया गया। वहीं गोताखोरों की ने कड़ी मशक्कत करने के बाद भी पुजारी का पता नहीं लगा पाए। मौके पर पहुंची पुलिस भी पुजारी का पता लगाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुजारी का कोई पता नहीं चल सका है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में सरकार बनाने पर उत्तराखंड वासियों को 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने की घोषणा कर कहा कि आम आदमी पार्टी झूठी और जुमलेबाज सरकार है। आप पार्टी दिल्ली में जिस तरह से भोली भाली जनता को झूठे सपने दिखाकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज दिल्ली की जो दुर्दशा है वो देश की जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते 7 सालों में एक भी अस्पताल को नहीं बनवाया और ना ही कोई बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया है। सरकार ने जरूर दिल्ली को तालाब बना दिया है, आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता शिक्षित और समझदार है, इसीलिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जुमलेबाजी यहां नहीं चलेगी और आम आदमी पार्टी दूर तक कहीं मैदान में दिख ही नहीं रही है। ये जिनका नाम आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली का किस तरह से उन्होंने हाल बेहाल किया, किस तरह से दिल्ली को उन्होंने जुमला देकर, फ्री का जुमला देकर दिल्ली को आज नरक बना दिया है, दिल्ली आज तालाब बनी है, कोरोना की महामारी के समय में दिल्ली में किस प्रकार का हाहाकार मचा, इन 7 सालों में दिल्ली में कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना पाए, और केवल जुमलेबाजी करना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और केवल विज्ञापन करके वाहवाही करने का काम करना, केवल यही काम केजरीवाल जी ने किया है। मैं मानता हूं कि उत्तराखंड के अंदर उनकी इस प्रकार की जुमलेबाजी नहीं चलेगी और केजरीवाल जी
को उत्तराखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लालकुआ नगर के मुख्य सड़क पर दुकानदारों की तरफ से किए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। अभियान के तहत ही पुलिस की तरफ से सड़क से अवैध अतिक्रमण हटवाया गया और कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए। वहीं पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी और इसे लेकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बता दें कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक रोहताश कुमार सागर के नेतृत्व में चलाए गए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुलिस ने नगर की मुख्य सड़क अतिक्रमण हटाया और दुकानदारों के चालान भी काटे। साथ ही पुलिस ने दुकानदारों को अपनी दुकान के सामान को सड़क तक नहीं फैलाने की चेतावनी दी। वहीं ठेले वालों को कहा कि स्थायी रूप से सड़क ना काबिज करते हुए घूम फिर कर अपना सामान बेचने की नसीहत भी उन लोगों को दी। इस दौरान बता दें सड़क पर खड़े दो पहिया वाहन स्वामियों को भी वाहन खड़ा न करने की सख्त हिदायत दी गई। वहीं मुख्य बाजार से गोला रोड तक पुलिस ने अवैध अतिक्रमण हटवाया। इधर रोहताश कुमार सागर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद अगर दोबारा उसी जगह पर अतिक्रमण पाया गया तो अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है। बता दें कि सड़क पर अतिक्रमण के चलते वाहनों का चलना मुश्किल हो जाता है और हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मथुरा प्रदेश के नगर विकास मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभा कक्ष पर विकास कार्यों की समीक्षा कर समय से विकास कार्य पूरे किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि जिस प्रकार मथुरा वृंदावन के लोगों को विकास की अपेक्षा थी, हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ के विकास के लिए खड़े उतरे हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में परिक्रमा मार्ग हो या कुंड हो या कोई भी धार्मिक स्वरूप के अनुसार विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से यहाँ का ये स्वरूप निकल कर आया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में विश्वास और विश्वास विकास का जो नारा मोदी जी ने देश में स्थापित किया था वो मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सही साबित हुआ है। उन्होंने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में शिलान्यास करने पहुंचे थे पर उद्घाटन ही नहीं हो पाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके पिताजी मुलायम सिंह कहते थे कि हमारी सरकार में सारी की सारी योजनाओं को 2-3 महीनों में पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। इस तरह के निर्देश मैंने बैठक में अधिकारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है, जिसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने मऊ जिले के मधुबन विधानसभा से नीलम कुशवाहा को अपना प्रभारी बनाया है। इस बात की जानकारी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए बीएसपी कोऑर्डिनेटर समसुद्दीन ने दी है, जिसके बाद से इस बात की खबर कार्यकर्ताओं में जैसे ही लगी उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत फूलों की माला पहना कर किया। आपको बता दें कि मधुबन विधानसभा के लिए बीएसपी ने अपना प्रभारी नीलम कुशवाहा को बनाया है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नीलम कुशवाहा ही प्रत्याशी के रूप में होंगी। वहीं इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उनको फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। नैनीताल सरोवर नगरी में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव की नैनीताल वासियों और ग्रामीण वासियों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से ये महोत्सव नहीं हो पाया, पर इस बार दोबारा आने वाले 11 से 17 सितंबर तक होने वाला नंदा देवी महोत्सव शासन की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित किया जाएगा। ये बात जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नंदा देवी मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए कही है। बता दें गर्ब्याल ने मेला आयोजन समिति से कहा कि पिछले साल की तरह नंदा देवी महोत्सव की तैयारियां करें और अभी मेला आयोजन में काफी समय है, इसीलिए मेले की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा और तैयारियां उस समय कोविड की परिस्थितियों और गाइडलाइंस के अनुसार सितंबर महीने के पहले सप्ताह में तय की जाएंगी। साथ ही प्रशासन मेला आयोजन समिति के साथ है,
आवश्यकता अनुसार सहयोग भी किया जाएगा। बता दें बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन, ईओ नगर पालिका एके वर्मा, मेला समिति के अध्यक्ष मनोज शाह और काफी लोग भी बैठक में शामिल हुए थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 14 साल से लूट के दौरान हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपी के पास से 2 अवैध पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस और फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बरामद किया गया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी लंबे समय से नाम बदलकर ग्रेनो वेस्ट में रह रहा था, जिसको बिसरख पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बिसरख थाना पुलिस की तरफ से पकड़ा गया शातिर आरोपी सौरभ उर्फ विक्कू है, जो मूल रूप से कानपुर का रहने वाला है और आरोपी ने कानपुर में 2007 में कार लूट की घटना को भी अंजाम दिया था और लूट के विरोध में कार सवार की हत्या भी कर दी थी और फरार हो गया था। वहीं आरोपी इस मामले में ये 14 साल से फरार चल रहा था। वहीं पकड़ा गया आरोपी ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में अपना नाम बदल कर रह रहा था। आरोपी ने अपने फर्जी नाम से फर्जी पासपोर्ट भी बनवा रखा था। वहीं आरोपी ने अपना फर्जी पासपोर्ट आनंद श्रीवास्तव के नाम से बनवा रखा था, जिसमें गाजियाबाद के सेक्टर 6 के मीडिया एनक्लेव का फर्जी पता लिखा हुआ था। वहीं आरोपी सौरभ को बिसरख थाना क्षेत्र की गौर सिटी सोसाइटी में रह रहा था और बिसरख थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की सूचना मिली कि एक आरोपी गौर सिटी में नाम बदल कर रह रहा है, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से 2 अवैध पिस्टल, 16 जिंदा कारतूस, फर्जी आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि कल 9/8/2021 थाना बिसरख और क्राइम ब्रांच गौतम बुद्ध नगर दोनों को संयुक्त टीम में एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किए थे। इनका नाम है सौरभ सिंह है। ये कानपुर नगर कल्याणपुर थाने का रहने वाले हैं। इन्होंने 2007 से एक 302-394 में वांछित चल रहे हैं। उन्होंने वो घटना के बाद गौतम बुद्ध नगर आकर नाम और पता बदलकर इन्होंने दूसरे नाम पे कई फर्जी कागजों बनवाया। इसमें एक आधार कार्ड और पासपोर्ट भी बनवाया। इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनको कब्जे से 2 32 बोर पिस्टल, 16 कारतूस और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए। श्रावस्ती में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने तस्कर के पास से 50 ग्राम स्मैक भी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ NTPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि तस्कर बहराइच जिले के रिसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गुजरात में विश्व प्रसिद्ध मां आदर्श शक्ति अंबाजी मंदिर में अमेरिका के एक श्रद्धालु ने स्वर्ण शिखर पर 1 किलो सोना भेंट किया है। भक्ति शक्ति और भक्ति और आस्था का त्रिवेणी संगम यानी कि विश्व प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी मंदिर। इस अंबाजी मंदिर में जगत जननी मां अंबा के लाखों भक्त हर दिन दर्शन करने पहुंचते हैं और कुछ भक्त अपनी इच्छा अनुसार सोना चांदी पैसा वहां पर भेंट करते हैं, जिसमें आज भी महेंद्र भाई नटवर भाई पटेल और हर्षद भाई नटवर भाई पटेल की ओर से महादान स्वर्ण शिखर के लिए कुल 1 किलोग्राम सोना भेंट किया गया है, जिस सोने की वैल्यूएशन कीमत 48 लाख रुपए है। और सोना भेंट करने वाले महेंद्र पटेल वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और उनकी अपनी जन्मभूमि गुजरात ही है। वो बता दें गुजरात के पाटन जिले के बालिसन गांव के रहने वाले हैं।
ऋषिकेश के गुमानीवाला में एक महिला से चेन लूट के प्रयास करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और दो चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार ये शातिर बदमाश हैं, जिनके खिलाफ ऋषिकेश ही नहीं बल्कि हरियाणा के पानीपत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि गुमानीवाला में हथियारबंद बदमाशों ने महिला से चेन लूट का प्रयास किया था और वारदात में तीन बदमाशों के होने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद घटना के दौरान बदमाश अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन जांच में पुलिस को पता चला है कि वारदात को अंजाम देने में तीन नहीं बल्कि पांच बदमाश शामिल थे और दो बदमाश अलग अलग स्थानों पर बैठकर बदमाशों को डायरेक्शन देने का काम किया करते थे। अभियुक्त हैं, ये रायवाला क्षेत्र में भी रह रहे हैं और हरिद्वार में रह रहे हैं, तो यहाँ की जो जानकारी थी उनको सब तरह की जानकारी थी कहाँ से रास्ते आते हैं क्या है। चार लोग हमने इसमें गिरफ्तार किया, तीन लोग जो थे जो घटना वारदात के दिन जो आए थे, तीन लोग तो थे और दो उसके सहयोगी थे, जिनमें हम लोगों ने कुल चार लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। एक अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जो ये अभियुक्त हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं हार्डकोर क्रिमिनल हैं, इनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे मुजफ्फरनगर में दर्ज हैं और एक अभियुक्त जो विक्रांत त्यागी है उसके खिलाफ यहाँ भी लूट के मुकदमे दर्ज हैं दो। तो कुल मिला के अभी हम लोगों ने चार अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से दो के कब्जे से तमंचे मिले हैं और दो के नाजायज चाकू मिले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।